हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत से कमेंट मेरे पास आए कि भाई हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन या कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम अपनी जो है कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। तो किस तरीके से लेते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, कौन सा ऐप है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में घंटी को ज़रूर दबा दें। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो मैंने जो है अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इंडियाज़ टैग 1 RTO इंफॉर्मेशन ऐप। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे, अपने नेट द्वारा इसको जो है डाउनलोड करना है, फ्री में आपको डाउनलोड मिलेगा। इसमें कुछ भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं, RC सर्च बाई नंबर प्लेट, इसमें अपने जो गाड़ी का नंबर है उसको डालना है। तो आपके सामने कुछ जो भी है इंटरफेस निकल आएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी कंट्री है वो सब सिलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चेंज अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। वैसे आपके पास जो भी कंट्री है वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगी और आपका जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नेट अगर आपका चालू रहेगा तो कुछ कुछ इसमें जो है निकल के आएगा। तो पेट्रोल का जो भी रेट है वो है 72.47 और डीजल का है 65.43। और RC सर्च बाई नंबर प्लेट पर इस पर आपको जो है अपना नंबर डालना है, वो नंबर है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इसमें जो है आपको अपने जो भी गाड़ी नंबर है वो डाल देने। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको इसमें एक गाड़ी नंबर डाल के दिखाता हूँ, HR। ये एक ट्रक का नंबर है, गाड़ी कोई भी हो उसका नंबर आप डाल सकते हो, बाइक का भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, HR 47C 98353। तो ये नंबर हो गया 47C 98353। इसको मैं यहाँ पे सर्च पे कर देता हूँ, आपको सर्च करना है। सर्च जैसे ही करोगे आपके सामने जो थोड़ा सा ये सर्चिंग में टाइम लेगा, तो आपके सामने इसकी फुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, कहाँ है, कौन है और कैसी गाड़ी है, किसकी है, सब कुछ आपको इसमें दिखेगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, बिजेंद्रा फिलिंग स्टेशन, एक पंप की गाड़ी है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है HR 47C 98353। और ओनरशिप फर्स्ट ओनर है इसका, ओनर का मतलब आप समझते हो गए। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी, जो रजिस्ट्रेशन डेट है जो ली गई है, जिस डेट पर ये लिया हुआ है वो है 10 जुलाई 2014। मेक मॉडल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कंप्रेसर व्हीकल LTD 30.25 XPX CWR SD IND RDL TVS। तो ये इंजन नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, चेसिस नंबर, कलर GB में है इसका, फुल टेप डीजल है। और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जहाँ पर भी अथॉरिटी दी हुई है, मान लीजिए RTO ऑफिस में दी हुई है, तो ही आपको जो है गाड़ी की इन्फॉर्मेशन पता हो पाएगी, वरना नहीं होगी। तो इस बात का आपको, किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है RTO में। व्हीकल एज, तो फिलहाल जो एज इसकी बच रही है वो एज है 4 years 9 months and 26 days, 4 साल 9 महीने और 26 दिन इसके बस हुए हैं। व्हीकल क्लास गुड्स कैरियर में ये आपको मिलेगी, और भी कोई आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यही कुछ इस ऐप की खासियत है, इसमें आप जो डालोगे वही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ थोड़ी सी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप और भी इसमें कुछ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाके, कोई भी गाड़ी आपको नहीं लेनी है ये तो उसका आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा मॉडल अब नया चल रहा है। माई प्रोफाइल में भी आप जो भी आपने जो है इसमें डाला है वो आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। RC का भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइसेंस भी आप यहाँ पे लाइसेंस सर्च करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।